देखा, हमारी हाइट कम थी लेकिन हमारे इरादे बुलंद थे। मेरे अब्बू अक्सर हमेशा ये गजल हमें सुनाया करते थे, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है, तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। Today we have them here in spite of all the hurdles, in spite of all the problems. Assalamualaikum everyone, my name is Idrishi Zubaida. I'm first year medical student in Sain Hospital, Mumbai. It is an honor and pleasure to be here today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Idrisi Humaira. I'm in first year MBBS in Nair Hospital, Mumbai. और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर की जो हमें यहाँ शाहीन इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया गया। It is an honor talking you about our journey. We both are proud to be the student of first year medical college. तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है, तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अब्बू और अम्मी का जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया और जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका सिखलाया। वी बोथ आर द फर्स्ट मेंबर इन आवर फैमिली हु डिड मेडिकल, हु आर मेडिकल स्टूडेंट। विदाउट देयर अनवेरिंग सपोर्ट वी आर नथिंग। I still remember the moment I received my acceptance letter in medical college. Excitement के साथ साथ डर भी था, लेकिन हिम्मत से काम लिया हमने और अपने सफर पे चलते रहे। हम सबके पास दो दौलत सबसे अहम होती है, पहला वक्त और दूसरा हौसला। हमने वक्त का सही इस्तेमाल किया और हौसले से काम लिया। हम दोनों ने हौसला पैदा किया खुद से कि हम कुछ कर दिखाएंगे। हमारे अब्बू अम्मी का कहना है, अगर खुदा ने आपको किसी आजमाइश में मुब्तिला किया है तो वो आपको उससे बेहतर नवाजेगा। मेरे अब्बू अक्सर हमेशा ये गजल हमें सुनाया करते थे, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कुछ लोगों के नेगेटिव ख्यालात होते हैं कि हमारे पास दौलत होता तो कुछ करते, अच्छा कोचिंग होता तो कुछ करते, अच्छे इंस्टीट्यूट होता तो कुछ करते, लेकिन मेरे ख्याल से ये नेगेटिव चीजें हमें हमारे दिमाग से हटा देना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए खुदा पे, वो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा इंशाल्लाह। हौसला जिंदगी में आधी कामयाबी है, ये हमने हमारे माँ बाप से सीखा, हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया और सबसे बड़ी बात कि हमारे दीन ने सिखाया कि कभी मायूस ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो 70 माओं से भी ज्यादा चाहने वाला है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना है कि डेफिनेटली वो हमारे लिए कुछ अच्छा फैसला करेगा, लेकिन हमको चाहिए कि उसकी तरफ जाएं, उसकी तरफ लौटे और उसी से मांगे। इसीलिए पहला खुदा पर यकीन और दूसरा वक्त और तीसरा हौसला रखें खुद पर। हमने ग्रेजुएशन किया विद केमिस्ट्री, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी तो कुछ बाकी है जिंदगी में। जब मैं रास्ते पर चलती थी तो मेरे जहन में ख्यालात ये आते थे कि कुछ तो स्पेशल होना बाकी है। लोग नेगेटिव सोचते हैं कि हमारी हाइट शॉर्ट है, लेकिन मैं इस चीज से बहुत मुतासिर हूँ और खुश भी कि मेरे खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं सर उठाकर कि मुझे सर झुकाकर सब बात करते हैं और मैं सर उठाकर बात करती हूँ। ये मेरे अल्लाह की शान है और कुछ नहीं। जिंदगी में हाइट मैटर नहीं करता, आपकी कामयाबी और हिम्मत मैटर करती है। हमने कभी अपने हाइट को नहीं देखा, हमारी हाइट कम थी लेकिन हमारे इरादे बुलंद थे। रास्ता बहुत डिफिकल्ट था, हमें कुछ नहीं पता था आगे क्या होना है। हमने कभी अपने दादा को नहीं देखा था क्योंकि वो मेरे अब्बू 13 साल के थे, तभी दादा की वफात हो गई और फिर
नीट के दौरान हमारी मुलाकात अशफाक सर से हुई तो ऐसा लगा कि हमारे दादा जान हमें मिल गए, जिन्होंने इस जर्नी पर चलने का रास्ता दिखाया और कदम कदम पर हमारा साथ दिया। एक गजल बताना पेश करना चाहूंगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। गवर्नमेंट ने भी काफी साथ दिया हमारा, और हमारा मुंबई के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, सभी का हमको प्यार मिला। मैं अपने यंग यूथ को यही कहना चाहूंगी कि कभी मायूस ना हो, हिम्मत से काम ले, दुनिया बहुत खूबसूरत है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ प्यार और मोहब्बत की गंगा जमुना बहती है, हम जहाँ भी रहे एक अच्छे इंसान बनकर रहे। Believe in yourself, don't think negative, don't lose your hope. Inshallah, you will definitely achieve your goal. Thank you so much.